हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक मास्ट क्लासेस तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपार्टेंट एमसीक्यूज ऑन पोषण अभियान ओके कल हमने बात करी थी लाडली बेटली स्कीम की आज की हम बात कर रहे हैं पोषण अभियान पे जो आपके जे के एस एस बी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ओके okay? हमने जो कल वीडियो डिस्कस की थी उसमें भी हमने इम्पॉर्टेंट एम डिस्कस किए थे जो कि लाडली बेटी स्कीम पर थे तो आपने वो वीडियो देखा होगा जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाके देख लेना ओके okay? तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो टेलीग्राम पे जाना और यूनिक मास्टर क्लासेस सर्च करना वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना ओके तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ जन आंदोलन कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान के प्राइमरी फोकस क्या है जन आंदोलन कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान का फ़र्स्ट ऑप्शन है प्रोमोटिंग लिटरेसी सेकेंड ऑप्शन है मोबिलाइजिंग कम्यूनिटीज़ ऑप्शन सी है इन्हांसिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस तो इसका आंसर क्या होने वाला है जो प्राइमरी फोकस है जन आंदोलन कंपोनेंट ऑफ पोशन अभियान इसका जो आंसर है वो है मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज क्या है मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अगर हम बात कर लेते हैं जन आंदोलन कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान की तो ये फोकसिंग करते हैं ऑन मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज़ पे टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोमोट बिहेवियरल चेंज रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रैक्टिसज ओके हम वीडियो के साथ साथ जो एम सी क्यूज हैं इनकी ये हमें यहाँ पर जो आपकी रिविजन होती है वो ईजली हो जाएगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवरसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान कौन सी मनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है जो अवरसिंग करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डिवेल्पमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिवेल्पमेंट तो आंसर क्या होगा इसका इसका आंसर है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डिवेल्पमेंट ठीक है ये मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिवेल्पमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोशन अभियान इतना आपने याद रखना है ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन है वट इज़ दवर आवर चार्जिंग गोल ऑफ पोषण अभियान जो हमारे पास अवर uh, जो हमारे पास आवर अचिंग गोल है पोषण अभियान का वो क्या है रिड्यूस पॉवर्टी है प्रोमोट एजुकेशन है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस है इन्हांस हेल्थ केयर एसेस है तो इसका आंसर है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस आपने ये पढ़ा होगा अच्छे से तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी जो हमारे पास आवर अचिंग गोल है इसका पोशन अभियान का वो इज़ टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन प्रेगनेंट वुमेन एंड लेकटेट जो हमारे पास लेक्टेटिंग मदर होती हैं इंडिया में ठीक है उनके लिए ये हमारे पास आपने यहाँ पे देखना है इसका ये गोल है पोषण अभियान का एक है न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग जो हमारे पास मदर होती हैं इंडिया में ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्विस प्रोवाइडेड अंडर पोषण अभियान इनमें से कौन सी सर्विस नहीं है जो प्रोवाइड की नहीं जाती अंडर पोषण अभियान न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इम्यूनाइजेशन ग्रोथ मॉनिटरिंग या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस तो याद रखना फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके अंडर नहीं आता है अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड अंडर पोषण अभियान द स्कीम्स ऑन सर्विस लाइक न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इम्यूनाइजेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग ओके उसके बाद बात करें अगर हम तो हमारे पास है वाट इज़ द मेन टारगेट ग्रुप ऑफ पोषण अभियान मेन टारगेट ग्रुप क्या है पोषण अभियान का एल्डरली पॉपुलेशन एडल्ट बॉयज प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स या यंग एडल्ट तो याद रखना जो मेन टारगेट है ग्रुप ऑफ पोषण अभियान का वो है प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर ओके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं द मेन टारगेट ग्रुप ऑफ पोषण अभियान इंक्लूडेड प्रेग्नेंट वूमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स अलॉन्ग विद चिल्ड्रन अंडर सिक्स ईयर ऑफ एज ये एज आपने याद रखनी है अंडर सिक्स ईयर ऑफ एज ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोकस एरिया ऑफ पोषण अभियान इनमें से कौन सा फोकस एरिया पोषण अभियान का नहीं है अनिमिया कंट्रोल मेटरनल हेल्थ केयर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग या फिर लिटरेसी प्रमोशन तो यहाँ पे आपने याद रखना है लिटरेसी प्रोमोशन एक इसका यहाँ पे क्या नहीं है फोकस एरिया नहीं है अगर हम बात कर लेते हैं वाइल्ड एजुकेशन इज़ इन डेक्टली रिलेटेड टू तो द ओवरऑल वेल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स और लिटरेसी प्रोमोशन इज नॉट ए स्पेसिफिक फोकस एरिया ऑफ पोषण अभियान ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज़ यूज टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर पोषण अभियान बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आई क्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एम यू ए सी मिड अपर आर्म सर्कम तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी क्यों जो हमारे पास ऑप्शन डी है एम यू ए सी मिड अपर आर्म सर्कम इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिड अपर आर्म सर्कम फ्रेंस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स यूज टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर पोषण अभियान स्पेशली फॉर डिटेक्टिंग माल न्यूट्रिशन ओके तो आपने याद रखना है इसका आंसर क्या है हमारे पास कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं हम असेस करने के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर पोषण अभियान तो वो हमारे पास है मिड अपर आर्म सरकम फ्रेंडस ओके सरकम फ्रेंड्स ओके ये या आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सक्षम आंगनवाड़ी कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान का इन्हांसिंग डिजिटल लिटरेसी स्ट्रेंथनिंग आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर प्रोमोटिंग मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ तो याद रखना इसका जो प्राइमरी फोकस है वो हमारे पास स्ट्रेंथनिंग आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ओके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सक्षम आंगनवाड़ी हमारे पास कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान का वो स्ट्रेंथनिंग करना है आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को ओके okay? तो अगर हम बात कर लेते हैं सक्षम आंगनवाड़ी एम्स टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स टू प्रोवाइड बेटर सर्विस रिलेटेड टू मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपने याद रखना है कि जो सक्षम आंगनवाड़ी है उसके एम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करने के लिए बेटर सर्विस रिलेटेड टू मेटरल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टेक्नोलॉजी इज यूटीलाइज फॉर मोनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान एट द रूट लेवल कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यूटिलाइज की जाती है मॉनिटरिंग करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान को ग्रास रूट लेवल पे जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग पॉस, सिस्टम आर एफ आई डी रेडियो फ्रिक्वेंसिंग आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो याद रखना इसका आंसर है आर एफ आई डी यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अगर हम बात कर लेते हैं इसकी तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज़ फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान एट द ग्रास रूट लेवल स्पेशली फॉर ट्रैकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ओके इंपॉर्टेंट होगा याद रख लेना उसके बाद है क्वेश्चन वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोषण एटलस अंडर पोषण अभियान के जो पोषण एटलस है इसका क्या सिग्निफिकेंस है पोषण अभियान के अंदर इट्स ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा विजुअलाइजेशन इट इज़ ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डाइटरी ट्रैकिंग या फिर इट इज़ इस नेटवर्क ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स तो क्या होगा इसका सिग्निफिकेंस है हमारे पास इट इज़ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा विजुअलाइजेशन ओके पोषण एटलस की जब हम बात करते हैं तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डेवेल्प होता है अंडर पोषण अभियान फॉर डेटा विजुलाइजेशन के लिए एंड मोनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स एट वेरियस लेवल्स फैसिलिटेटिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग तो ये आपने याद रखना है ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अलेवन भैया द फॉलोइंग इज़ अ की स्ट्रेटजी इंप्लाइड अंडर पोषण अभियान टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन पूछ रहा है कि कौन सी की स्ट्रेटजी इंप्लाइड होती है अंडर पोषण अभियान में टू एड्रेस करने के लिए माल न्यूट्रिशन को प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसज़ कैश ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन या इंक्रीजिंग टैक्स ऑन अनहेल्थी फ़ूड तो इसका आंसर है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन ओके अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है ये एक की स्ट्रैचडी है जो इम्प्लाइड होती है अंडर पोशन अभियान टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन तो अगर हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन की तो ये एक की स्ट्रैचडी है जो इम्प्लाइड होती है अंडर पोशन अभियान टू एड्रेस माल न्यूट्रेशन बाई इंगेजिंग कम्यूनिटीज़ एंड लोकल स्टेक होल्डर्स इन प्रोमोटिंग न्यूट्रेशन एंड हेल्थ प्रैक्टिस ओके यने याद रखना है उसके बाद है वट इज़ द डूरेशन ऑफ पोशन मा एम ए डबल एच जो हमारे पास एम डबल एच यानी न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेटिड अंडर पोशन अभियान सेप्टंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ये कौनसे डन कौन से मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो याद रखना सप्तम्बर में ओके okay? अगर हम बात करते हैं पोशन एम डब्ल एच इसकी बात करें न्यूट्रिशन मंथ की तो ये सेलिब्रेट होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्थी ईटिंग हैबिट्स तो ये आपने याद रखना है सितंबर उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की भी जो द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कम्पोनेंट ऑफ एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव लॉन्च अंडर पोषण अभियान हमें पूछा गया है कोई कौन सा कंपोनेंट नहीं है एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव के अंडर जो लॉन्च होता है पोश पोषण अभियान के अंडर आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अर्ली स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल तो याद रखना फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल जो है ये याद रखना है अपने वाइल्ड एनीमिया मुक्त भारत फोक्स ऑन वेरियस इंटरवेंशन टू कम्बैट अनिमिया प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल इज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंशन एज ए कम्पोनेंट अंडर दिस इनिशियेटिव तो फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल जो है ये इसका एक इनिशियटिव नहीं है ओके तो ये या आपने याद रखना है उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द घर का पोषण देश का पोषण कंपेरिजन अंडर पोषण अभियान प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एड्रेसिंग माइक्रोन्यूट्रन डिफिशंसीज इंकरेजिंग डायट्री डाइवर्सिटी इंप्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ तो क्या होगा इसका आंसर है हमारे पास प्रोमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग ओके द घर का पोषण देश का पोषण ऑन एन शियल कंपोनेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट आपने ये याद रखना है इंपॉर्टेंट होगा ओके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक हमने चौदह क्वेश्चन की बात की है अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अपने दोस्तों से शेयर किया करो ओके आप हमारी सपोर्ट करोगे हम आपकी करेंगे और टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन कहता है वाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय पोषण एम डबल एच यानी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेटेड अंडर पोषण अभियान तो इसका क्या है इंकरेजिंग फिजिकल एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोमोटिंग डाइटरी डाइवर्सिटी या याप्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो याद रखना प्रोमोटिंग डाइटरी डाइवर्सिटी ओके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं द प्राइमरी फोकस ऑफ राष्ट्रीय पोषण एम डबल ए एच इज़ टू प्रमोट डाइटरी डाइवर्सिटी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग ए वराइटी ऑफ न्यूट्रेंट फूड फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स अंडर पोषण अभियान तो ये आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी फोकस है हमारे पास राष्ट्रीय पोषण एमडब्लू एच यानी इसका जो है प्रमोट करना डाइट्री डाइवर्सिटी को एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉटेंस ऑफ कंज्यूमिंग ए वराइटी ऑफ न्यूट्रंस फूड्स फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स अंडर पोषण अभियान ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कह रहा है यहाँ पे एक सेकेंड वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत प्रेरक प्रोग्राम एसोसिएटेड विद पोषण अभियान तो ये हमें पूछा गया है जो ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ भारत प्रेरक प्रोग्राम का जो एसोसिएटेड है पोषण अभियान के साथ वो क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स तो इसका आंसर है हमारे पास फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत प्रेरक प्रोग्राम एम्स टू फैसिलिटेट कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ़ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव अंडर पोषण अभियान ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान फोकसिस ऑन लिवरजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रेंट न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज पोषण एटलस सक्षम आंगनवाड़ी जन अंदोलन मुक्त भारत पूछा गया है कौन सा कंपोनेंट जो है पोषण अभियान का जो फोक्स करता है लिवाइजिंग टेक्नोलॉजी पे फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज तो याद रखना पोषण एटलस ओके पोषण एटलस इज़ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिवेल्प अंडर पोशन अभियान फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड मोनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स एडिंग इन द एफिशियंट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज ओके तो यह आपने याद रखना है पोषण एटलस है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिवेलप्ट होता है अंडर पोशन अभियान ओके क्वेश्चन नंबर एटीन वट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वोषित माँ अभियान कंपोनेंट अंडर पोषण अभियान तो इसका आंसर क्या होगा प्रोमोटिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या प्रोवाइड पेरेंटल पेरेंटल केयर इन्हांसिंग मेटरनल न्यूट्रिशन कंडक्टिंग हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंप्स तो इसका आंसर है इन्हांसिंग मैटरनल न्यूट्रेशन अगर हम बात करते हैं सुपोषित माँ की अभियान की तो ये एम इसका क्या है इन्हांस करना मैटरनल न्यूट्रेशन थ्रू वेरियस इंटरवेंशनस एंड इनिशिएटिव अंडर पोषण अभियान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा याद रख लेना उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन इंदिरा दुनिश या फिर आयुमन भारत तो क्वेश्चन पूछा गया है जो इनिशिएटिव नॉट डायरेक्टली लिंक टू पोषण अभियान तो वो आयुष्मान भारत है आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान भारत इज ए सेपरेट फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू पोषण अभियान विच फोक्सीजन न्यूट्रिशनल रिलेटेड इंटरवेंशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करते हैं तो ट्वेंटी कह रहा है हमारे पास वच इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ स्वच्छ भारत प्रेरक प्रोग्राम एसोसिएटेड विद पोषण अभियान सिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मोबिलाजेशन या फिर है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन ओके उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी वन की वट रोल्स डज द आंगनबाड़ी वर्कर प्ले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान के पोषण अभियान को जो हमारे पास इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास आंगनबाड़ी वर्कर्स का क्या रोल है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बेनिफिशरीज कंडक्टिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन या फिर एडमिनिस्ट्रिंग वोकेशन वैक्सीनेशन तो इसका आंसर है कंडक्टिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ़ चिल्ड्रन ओके अगर हम बात करते हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की तो ये प्ले करती हैं क्रूश रोल इन कंडक्टिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग अदर असेंशियल न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान ओके okay? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच आर द फॉलोइंग इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ द पोशन माँ एम डब्लिए एच यानी न्यूट्रिशन मंथ कंपेजन लॉन्चिंग न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कंडक्टिंग अवेयरनेस ड्राइव्स एंड इवेंट्स इंप्लीमेंटिंग सैनिटेशन प्रोग्राम्स तो क्या है इसका आंसर है कंडक्टिंग अवेयरनेस ड्राइव्स एंड इवेंट्स पोशन माँ एम डब्ल्य एच कंपेजन फोक्सजन कंडक्टिंग अवेयरनेस ड्राइव्स एंड इवेंट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉटेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्थी ईटिंग हैबिट्स तो ये आपने याद रखना है जो क्वेश्चन मा एम डब्ल्यू एच कंपेरिजन है इसका फोकस है कंडक्ट करना अवेयरनेस ड्राइव्स एंड इवेंट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस के क्या है इम्पॉर्टेंस न्यूट्रिशन की प्रमोट करने के लिए हेल्थी ईटिंग हैबिट्स के लिए ओके तो क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री की बात करें तो कह रहा है वट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट इन इंटीग्रेटेड विद पोषण अभियान प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल इंडियन सीजेंस इंकरेजिंग द कंसेप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड हाईजीन्स रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज तो याद रखना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें इसकी तो इंश्योरिंग करना फूड सेफ्टी एंड हाईजीन्स और द ईट राइट इंडिया मूवमेंट एम्स टू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रैक्टिस प्रोमोटिंग हेल्थी ईटिंग्स हैबिट्स अंडर पोषण अभियान तो ये आपने याद रखना है ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है इसका एम है इंश्योर करना फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रैक्टिस और प्रोमोटिंग करना हेल्थी जो ईटिंग हैबिट्स हैं अंडर पोषण अभियान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हमारे पास विच वीजा तो फॉलोइंग इज़ नॉट ए कम्पोनेंट ऑफ पोषण अभियान इनिशिएटिव लॉन्च अंडर पोषण अभियान इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है पोषण अभियान का इंट्रैक्टिव सेशन ऑन न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स या मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूट्रिशनल ट्रैकिंग तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है ये नहीं है पोषण ज्ञान इनिशिएटिव ऑन प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन थ्रू इंटरेक्टिव सेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रैदर दैन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्स ओके तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की वाट इज द प्राइमरी एम ऑफ राष्ट्रीय पोषण एम डबल ए एच यानी नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ सेलिब्रेटेड अंडर पोषण अभियान इसका प्राइमरी एम क्या है प्रोमोटिंग लाइफ स्टाइल चाइसिस रिड्यूसिंग मेटरनल मोटेटी रेट्स इन्हसिंग न्यूट्रिशनल लिटरेसी या इराडिकेटिंग माल तो याद रखना इन्सिंग करना न्यूट्रिशनल लिटरेसी को ओके okay. तो इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण एम डबल ए एच यानी एम्स टू इन्हेंस न्यूट्रिशनल लिटरेसी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉटेंस ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेल वेलबींग अंडर पोषण अभियान तो ये इंपॉर्टेंट होगा उसके बाद बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एज पोषण ट्रैकर एट डिजिटल टूल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान कौन सी स्टेट में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश राजस्थान केरला मध्य प्रदेश तो याद रखना है केरला इज़ द राइट आंसर केरला हैज़ नॉट इंप्लीमेंट द पोशन ट्रैकर वायल स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश हैव यूटिलइज़ दिस डिजिटल टूल फार मोनीटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ राष्ट्रीय पोषण मा एम डब्ल एच नैशनल न्यूट्रेशन मंथ सेलिब्रेटेड अंडर पोषण अभियान इंक्रेजिंग फिजिकल एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूटन जो करना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को प्रोमोटिंग डाइटरी डाइवर्सिटी या इंप्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो याद रखना जो प्राइमरी फोकस है राष्ट्रीय पोषण एम डब्ल एच का यानी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का वो क्या है प्राइमरी फोकस ऑफ इसकी बात करें तो राष्ट्रीय पोषण एम डब्ल्य एच इज़ टू प्रमोट डायट्री डाइवर्सिटी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग वराइटी फूड्स न्यूट्रियस फूड्स जो हमारे पास न्यूट्रेटियस फूड्स होती हैं फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स के लिए अंडर पोषण अभियान तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो प्राइमरी फोकस है राष्ट्रीय पोषण माह एमडब्ल्यू का इसको प्रमोट करना डाइटरी डाइवर्सिटी को एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग कि आप कौन सी वैरायटी की जो न्यूट्रिशन ले रहे हो उसके बारे में है ठीक है उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव एम्स टू एड्रेस द इशू ऑफ स्टंटिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर पोषण अभियान एनीमिया मुक्त भारत मिशन अंद्राधुनिश स्वच्छ भारत प्रेरक प्रोग्राम या पोषण व्यती तो याद रखना पूछा गया है कौन सा इनमें से ऐसा इनिशिएटिव है जिसका एम है एड्रेस करना इशू ऑफ स्टंटिंग अमॉग चिल्ड्रन तो याद रखना पोषण वेटिका इसके बाद करते हैं अगर हम पोषण वेटिका इनिशिएटिव जो है इसका एम है टू एड्रेस करना इशू ऑफ स्टंटिंग अमॉग चिल्ड्रन बाई प्रोमोटिंग द कल्टिवेशन ऑफ न्यूट्रियस न्यूट्रेटियस फ्रूट्स जो होंगे और जो वेजिटेबल्स होंगी हाउस होल्ड में एंड कम्युनिटीज अंडर पोषण अभियान ये याद रखना है पोषण वेटिका इनिशिएटिव का एम है एड्रेस करना इशू ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन बाय प्रमोटिंग द कल्टीवेशन ऑफ न्यूट्रेटियस जो फ्रूट्स होंगे हमारे पास और जो वेजिटेबल्स होंगे हाउस होल्ड्स में एंड कम्युनिटीज अंडर पोषण अभियान ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्या रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च अंडर पोषण अभियान इंपावरिंग वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेगनेंट वुमेन प्रोमोटिंग मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ या इन्हांसिंग न्यूट्रिशनल लिटरेसी अम एडोलेसेंस तो याद रखना है इम्पावरिंग करना वुमेन को थ्रू स्किल डेवलपमेंट क्या है ये एक पोषण शक्ति इनिशिएटिव एम इसका जो है टू इम्प्रूव इम्पावर करना वुमेन को थ्रू स्किल डेवलपमेंट के थ्रू लेवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के थ्रू देयर बाई इन्हेंसिंग देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कंट्रीब्यूटिंग करना कि वो बेटर न्यूट्रिशन ले सकें उसका जो आउटकम होगा ये किसका आउटकम है अंडर पोषण अभियान का तो याद रखना पोषण शक्ति इनिशिएटिव के ये एम है ये या आपने याद रखने हैं ओके उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की विच कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान फोक्सिजन स्ट्रेंथिंग द डिलीवरी ऑफ़ मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज सक्षम आंगनबाड़ी एनीमिया मुक्त भारत पोषण एटलस या स्वच्छ भारत प्रेरक प्रोग्राम कि कौन सा कंपोनेंट जो है पोषण अभियान का जो फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग करने के लिए डिलीवरी ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को तो याद रखना सक्षम आंगनबाड़ी ओके सक्षम आंगनवाड़ी कम्पोनेंट फोकिस ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड द डिलीवरी ऑफ मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज बाय एनहेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स अंडर पोषण अभियान ये आपने याद रखना है आज की इस वीडियो में हमने थर्टी क्वेश्चन डिस्कस किए ऐसे ही हम सभी टॉपिक्स पे एमसीक्यूज लाएंगे होप आपको ये हेल्पफुल होंगे मैंने जल्दी जल्दी में ये यहाँ पे डिस्कस किए हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप कम टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने को आपको मिल सके ओके okay, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा टेक ग्यफ़ी उसलफ